हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स हिंदी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर या ऑप्शन डी 9 नवंबर। आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 नवंबर। 2009 से प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2009 में पहली बार निमोनिया के खिलाफ वैश्विक गठबंधन ने विश्व निमोनिया दिवस का आयोजन किया। विश्व निमोनिया दिवस 2019 के लिए थीम जो है वो है हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। ठीक है, स्टॉप निमोनिया एक पहल है जो ऐसे समुदायों के लिए एक आवाज़ उठाती है जो इस बीमारी के विनाशकारी परिणामों से पीड़ित हैं और जिनके पास जीवन रक्षक बचाव की कमी है। इसका नेतृत्व जॉन्स हॉपकिंग्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर, जिसे हम IVAC के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन SSC बैंकिंग रेलवेज में, तो आप इसे नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित में से किसने कोट्स ऑफ इंडिया दैट इज पास टू प्रेजेंट, एक बुक का नाम है कोट्स टू इंडिया पास टू प्रेजेंट, यह पुस्तक का असमिया संस्करण जारी किया है? तो आपको बताना है कि इसका असमिया संस्करण किसने जारी किया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति या ऑप्शन डी असम के मुख्यमंत्री। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने 17 नवंबर को गुवाहाटी में कोड्स ऑफ इंडिया पास टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के असमी संस्करण का विमोचन किया। श्री गोगोई ने पब्लिकेशन डिवीजन द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन करते हुए इसे न्याय की वास्तुकला करार दिया। उन्होंने कहा, पुस्तक भारतीय न्याय प्रणाली को स्पष्ट रूप से समझाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर या ऑप्शन डी 9 नवंबर। आपके पास है फिर से सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 नवंबर। 2008 के बाद से प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल आज़ाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं। वह IITs, IISCs इत्यादि की स्थापना के पीछे प्रथम अन्वेषक हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का पहला संकुचित प्राकृतिक गैस CNG पोर्ट टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। गुजरात सरकार ने भावनगर में दुनिया के पहले CNG पोर्ट टर्मिनल के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। UK आधारित दूरदर्शिता समूह और मुंबई स्थित पद्मनाभ मफतलाल समूह संयुक्त उद्यम भावनगर बंदरगाह पर CNG पोर्ट टर्मिनल स्थापित करने के लिए 1,900 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ तक क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने डल झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए पैनल का गठन किया है। इस संदर्भ में इको सेंसिटिव जोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और आपको सही विकल्प चुनना है।
पहला कथन है, ये क्षेत्र आमतौर पर संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर स्थित हैं। आपके पास दूसरा कथन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत MOEFCC द्वारा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। आपके पास तीसरा कथन है, इको सेंसिटिव जोन में वाणिज्यिक खनन, आराधर आदि कुछ विनियमित कार्य शामिल हैं। आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और दो, या ऑप्शन डी केवल तीन। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल एक और दो। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में इको सेंसिटिव जोन कहा जाता है। यह ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हैं और उसके आसपास हैं, जैसे कि वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र। एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में कुछ गतिविधियां निषिद्ध, नियंत्रित और अनुज्ञप्त है। वाणिज्यिक खनन, आराधर, प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योग निषिद्ध हैं। वह नियमित गतिविधियां, पेड़ों की कटाई, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग आदि कृषि एक अनुमत गतिविधि है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कोलकाता में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठन, जिसे हम COCSSO के नाम से जानते हैं, उनके 27वें सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इस संदर्भ में कॉस्को के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अगेन यहाँ पे आपको दो कथन दिया गया है और इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। हमारे पास पहला कथन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठन के सम्मेलन का आयोजन करता है। हमारे पास दूसरा कथन है, इस वर्ष के सम्मेलन के लिए जो थीम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्य है। आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दो। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों। प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठन, जिसे हम COCSSO के नाम से जानते हैं, के सम्मेलन का आयोजन करता है और यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सांख्यिकीय एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच है, जो योजनाकारों और नीति निर्माताओं को विश्वसनीय और समय पर आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए समन्वित प्रयासों के उद्देश्य से है। इस वर्ष की थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अर्थात सतत विकास लक्ष्य है। तो यहाँ पे केवल एक और दो कथन सही हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस पहल के तहत सरकार ने देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टैंडअप इंडिया, ऑप्शन बी स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन सी मेक इन इंडिया, या ऑप्शन डी स्किल इंडिया। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया पहल के तहत सरकार ने देश में 4 स्थानों पर चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। वे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में हैं। इस उपकरण पार्क में वे उपचार के लिए सस्ती कीमत पर विश्व स्तर के उत्पाद प्रदान करते हैं। यह पार्क चिकित्सा क्षेत्र में उद्योगों को आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, ऑप्शन सी निकेई प्रोडक्शंस, या ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए।
यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। प्रत्येक माह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। यह सूचकांक औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति का सूचक है। गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। 8 कोर इंडस्ट्रीज में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के वजन का लगभग 40.27% शामिल है, जिनमें बिजली, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट और प्राकृतिक गैस और उर्वरक शामिल हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार कारखाने के उत्पादन ने सितंबर में 4.3% का अनुबंध किया है, जो इस श्रृंखला में 8 वर्षों में सबसे कम है, जो अप्रैल 2012 के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है, आपको बताना है ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी एमनेस्टी इंटरनेशनल या ऑप्शन डी क्लाइमेट वर्ल्ड। आपके पास है सिर्फ 5 सेकेंड आंसर करने के लिए। यस, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ब्राउन टू ग्रीन जारी करती है, जो दुनिया की G20 जलवायु कार्रवाई की सबसे व्यापक समीक्षा है। यह G20 देश शमन कार्रवाई, वित्त और भेदता पर संक्षिप्त और तुलनीय जानकारी प्रदान करता है। G20 देशों के बहुमत से 14 अनुसंधान संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों द्वारा विकसित रिपोर्ट में 80 संकेतक शामिल हैं। यह नीति निर्माताओं को सूचित करता है और राष्ट्रीय विचार विमर्श को प्रेरित भी करता है। यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर। हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्येक वर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर या ऑप्शन डी 9 नवंबर। Yes, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को महात्मा गांधी की पहली और अंतिम यात्रा 1947 में ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में राष्ट्रपिता की याद में सार्वजनिक सेवा प्रसारण के रूप में मनाया जाता है। अपने भाषण में उन्होंने विस्थापित लोगों, जो कि भारत के विभाजन के बाद हरियाणा में बस गए थे, उनको संबोधित किया था। तो यहाँ पे आज का सेशन खत्म होता है। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू ऑनलाइन तैयारी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।